हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं मसल्स के बारे में। मस्कुलर सिस्टम का ये पांचवा लेक्चर है जिसमें हम स्टडी करेंगे हमारे लेग या फुट की जो मसल्स हैं उनके बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। तो सबसे पहली मसल है इलियोसोस। इलियोसोस एक्चुअली दो अलग अलग मसल्स के रूप में अराइज होती हैं। एक है सोस मेजर और दूसरी है इलियकस। सोस मेजर काट कशेरुकाओं यानी लंबर वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस और बॉडी से अराइज होती है और इंसर्ट होती है ये इलियकस के साथ मिलकर लेसर ट्रोकेंटर के अंदर जो फीमर का पार्ट है। इलियकस पेशी इलियक फोसा से उत्पन्न होती है तथा सेक्रम से उत्पन्न होती है और ये इंसर्ट होती है सोस के साथ मिलकर कहां लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ये मांसपेशियां कुल्हे के जोड़ पर यानी हिप जॉइंट पर फ्लेक्शन और लेटरल रोटेशन में मदद करती है। सोस मेजर को L2 और L3 स्पाइनल नर्व्स के द्वारा इनर्वेट या कंट्रोल किया जाता है तथा इलियकस मसल को फीमोरल नर्व द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस। और ग्लूटियस मैक्सिमस वो मसल है जहाँ पर ग्लूटियल मसल्स जो साइट ऑफ इंजेक्शन हैं IM मसल्स के लिए। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो आपको बताना है ग्लूटियस मसल्स हैं मेनली ग्लूटियस मैक्सिमस। यह पेशी इलियक क्रेस्ट से उत्पन्न होती है, कुछ पार्ट इसका सेक्रम से और कुछ कोक्सिक से उत्पन्न होता है और ये इंसर्ट होता है लीनिया एस्परा जो टिबिया का पार्ट है वहां पर। यह पेशी कुल्हे के जोड़ पर थाई के एक्सटेंशन में और लेटरल रोटेशन में हेल्प करती है तथा ग्लूटियल नर्व के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ग्लूटियल मीडियस, यह पेशी इलियम से निकलती है और फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर में इंसर्ट होती है। यह पेशी कुल्हे के जोड़ पर एबडक्शन और मीडियल रोटेशन में हेल्प करती है तथा इन मांसपेशियों को भी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट मसल है ग्लूटियस मिनिमस। यह पेशी इलियम से निकलती है और फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर में इंसर्ट होती है। यह पेशी भी कुल्हे के जोड़ पर एबडक्शन और मीडियल रोटेशन में हेल्प करती है तथा इन्हें भी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट मसल है टेंसर फेशिया लाटा। यह पेशी इलियक क्रेस्ट से निकलती है और इलियो टीबियल ट्रैक्ट के माध्यम से टीबिया में इंसर्ट होती है। यह पेशी कुल्हे के जोड़ पर थाई के एबडक्शन और फ्लेक्शन में हेल्प करती है तथा इन मसल्स को भी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पीरीफॉर्मिस, यह पेशी एंटीरियर सेक्रम से उत्पन्न होती है और फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर के अपर बॉर्डर पर इंसर्ट हो जाती है। यह पेशी भी थाई के लेटरल रोटेशन और एबडक्शन में हेल्प करती है और इन्हें भी कंट्रोल किया जाता है S1 सैक्रल नर्व्स के द्वारा। ऑब्टुरेटर इंटरनस, यह पेशी ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन प्यूबिस और ईशियम की से उत्पन्न होती है इनर सरफेस से और फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर पर इंसर्ट होती है। यह पेशी कुल्हे के जोड़ पर थाई के लेटरल रोटेशन और एबडक्शन में हेल्प करती है तथा इन पेशियों को भी सैक्रल स्पाइनल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, यह पेशी ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल पार्ट से एक्सटर्नल सरफेस से अराइज होती हैं और इंसर्ट होती हैं ये जाके ग्रेटर ट्रोकेंटर जो फीमर का पार्ट है वहां पर और कुल्हे के जोड़ पर लेटरल रोटेशन और एबडक्शन में हेल्प करती है और इन मांसपेशियों को भी सैक्रल स्पाइनल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सुपीरियर जेमुडस, यह पेशी इश्चियल स्पाइन से उत्पन्न होती है और फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर में इंसर्ट होती है। यह पेशी कुल्हे के जोड़ पर लेटरल रोटेशन और एबडक्शन में हेल्प करती है तथा इन मांसपेशियों को भी सैक्रल स्पाइनल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद आती है इन्फीरियर जेमुलस, ये पेशी इश्चियल ट्यूबरोसिटी से उत्पन्न होती है और फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर में
इंसर्ट होती है। ये पेशी कूल्हे के जोड़ पर जांग के लेटरल रोटेशन और एबडक्शन में हेल्प करती है तथा इन मांसपेशियों को भी सैक्रल स्पाइनल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्वाड्रेटस फीमोरिस, यह पेशी ईशियल ट्यूब्रोसिटी से उत्पन्न होती है और फीमर के इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट में इंसर्ट होती है। यह पेशी लेटरल रोटेशन थाई के और हिप जॉइंट को स्टेबल करने में हेल्प करती है। इन मांसपेशियों को भी सैक्रल स्पाइनल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एडक्टर लोंगस, यह पेशी प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक सिम्फाइसिस इन दोनों स्थानों से उत्पन्न होती है और फीमर के लीनिया एस्परा में इंसर्ट होती है। यह पेशी कूल्हे के जोड़ पर थाई के फ्लेक्शन और एडक्शन में हेल्प करती है। इन मांसपेशियों को ऑब्ड्यूरेटर नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एडक्टर ब्रेविस, यह पेशी प्यूबिस के इन्फीरियर रेमस से निकलती है और फीमर के लीनिया एस्पिरा में प्रवेश करती है। यह पेशी कूल्हे के जोड़ पर जांग को फ्लेक्शन और एडक्शन में मदद करती है। इन पेशियों को ऑब्ड्यूरेटर तंत्रिका द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एडक्टर मैग्नस, यह पेशी प्यूबिस और ईस्चियम के इन्फीरियर रेमस से उत्पन्न होती है और फीमर के लीनिया एस्पिरा में इंसर्ट होती है। यह पेशी कूल्हे के जोड़ पर थाई के फ्लेक्शन और एडक्शन में हेल्प करती है। इन मांसपेशियों को ऑब्ड्यूरेटर एंड सियाटिक नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पेक्टिनियस, यह पेशी प्यूबिस, ईस्चियम और सुपीरियर रेमस से उत्पन्न होती है और फीमर की पेक्टिनियल लाइन में इंसर्ट होती है। यह पेशी कूल्हे के जोड़ पर थाई के फ्लेक्शन और एडक्शन में मदद करती है तथा इन मांसपेशियों को फीमोरल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ग्रेसिलिस, यह पेशी प्यूबिस की बॉडी और इन्फीरियर रेमस से निकलती है और टीबिया के शाफ्ट में मीडियल सरफेस में इंसर्ट होती है। यह पेशी कूल्हे के जोड़ पर थाई के मीडियल रोटेशन और एडक्शन में हेल्प करती है तथा नी जॉइंट पर भी फ्लेक्शन में मदद करती है। इन मांसपेशियों को ऑब्ड्यूरेटर नर्व द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्वाड्रेटस फीमोरिस, यह पेशी चार हेड्स के द्वारा उत्पन्न होती है और कभी कभी इन सारे हेड्स को हम अलग अलग मसल्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे रेक्टस फीमोरिस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मीडियलिस एंड वेस्टस इंटरमीडियस। इसमें रेक्टस फीमोरिस इन्फीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन से उत्पन्न होती है। वेस्टस लेटरलिस फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर और लीनिया एस्परा से उत्पन्न होती है। वेस्टस मीडियलिस फीमर के लीनिया एस्परा से और वेस्टस इंटरमीडियस फीमर के शाफ्ट से उत्पन्न होती हैं। ये चारों बाद में जाके एक हो जाती हैं और एक ही टेंडन के रूप में इंसर्ट होती हैं पटेला के ऊपर, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन भी कहते हैं, और बाद में ये एक लिगामेंट के रूप में टीबियल ट्यूब्रोसिटी पर जाके इंसर्ट होती हैं, जिसे हम पेटेलर लिगामेंट कहते हैं। इस पेशी के ये जो चारों मसल्स हैं वो सब नी जॉइंट के एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। रेक्टस फीमोरिस जब अकेली वर्क करती है तो थाई के हिप जॉइंट पर फ्लेक्शन में मदद करती है। इन तंत्रिकाओं को, इन मसल्स को फीमोरल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट मसल है हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग भी तीन अलग अलग मसल्स का समूह होती हैं, जिसमें बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस शामिल है। बाइसेप्स फीमोरिस का जो लॉन्ग हेड है, क्योंकि जैसे बाइसेप्स है तो मतलब इसके दो हेड होंगे, तो लॉन्ग हेड ईशियल ट्यूब्रोसिटी से और शॉर्ट हेड फीमर के लीनिया एस्परा से उत्पन्न होता है और इंसर्ट ये होगा हेड ऑफ फिबुला तथा लेटरल कोंडाइल ऑफ टीबिया। सेमी टेंडनोसिस ईशियल ट्यूब्रोसिटी से उत्पन्न होकर टीबिया के शाफ्ट में इंसर्ट होती है और सेमी मेम्ब्रेनोसिस ईशियल ट्यूब्रोसिटी से उत्पन्न होकर मीडियल कोंडाइल ऑफ टीबिया में इंसर्ट होती है।
ये सभी मांसपेशियां घुटने के जोड़ पर फ्लेक्शन और कूल्हे के जोड़ पर एक्सटेंशन में मदद करती है। ये थाई में पीछे की तरफ होती हैं और इन मांसपेशियों को टीबियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। टीबियल इज एंटीरियर, यह पेशी लेटरल कोंडाइल ऑफ बॉडी ऑफ टीबिया से उत्पन्न होती है और फर्स्ट मेटाटार्सल और फर्स्ट क्यूनिफॉर्म में इंसर्ट होती है। यह पेशी टखने के जोड़ पर यानी एंकल जॉइंट पर पैर को पीछे की ओर मोड़ने यानी डोर्सिफ्लेक्शन में मदद करती है और पेरोनियल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, यह पेशी फिबुला की एंटीरियर सरफेस से उत्पन्न होती है और पैर के अंगूठे के डिस्टल फेलेंक्स में इंसर्ट होती है। यह पेशी एंकल जॉइंट पर डोर्सिफ्लेक्शन और पैर के अंगूठे के एक्सटेंशन में मदद करती है। यह पेशी पेरोनियल नर्व के द्वारा कंट्रोल की जाती है। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, यह पेशी लेटरल कोंडाइल ऑफ टीबिया और फिबुला की एंटीरियर सरफेस से उत्पन्न होती हैं तथा पैर की जो अंगुलियां हैं अंगूठे के अलावा उनके मिडिल और डिस्टल फेरेंक्स में इंसर्ट होती है। यह पेशी टखने के जोड़ पर यानी एंकल जॉइंट पर डोर्सिफ्लेक्शन और अंगुलियों पैर की जो अंगुलियां हैं उनके एक्सटेंशन में हेल्प करती है। इन पेशियों को पेरोनियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पेरोनियस लॉन्गस, यह पेशी लेटरल कोंडाइल ऑफ टीबिया और फिबुला की एंटीरियर सरफेस से उत्पन्न होती हैं, फर्स्ट मेटाटार्सल फर्स्ट क्यूनिफॉर्म में इंसर्ट होती है। यह पेशी टखने के जोड़ पर प्लांटर फ्लेक्शन में मदद करती है और इन मांसपेशियों को भी पेरोनियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पेरोनियस ब्रेविस, यह पेशी फिबुला की एंटीरियर सरफेस से उत्पन्न होती है और फिफ्थ मेटाटार्सल और फर्स्ट क्यूनिफॉर्म में इंसर्ट होती है। यह पेशी टखने के जोड़ पर डोर्सिफ्लेक्शन में मदद करती है। इन मांसपेशियों को भी पेरोनियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। गैस्ट्रोनीमियस, यह पेशी मीडियल एंड लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर से उत्पन्न होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको काफ मसल्स भी कहा जाता है और ये इंसर्ट होती है एक कॉमन टेंडन के रूप में जिसे हम एचिलीज टेंडन कहते हैं और कैल्केनियस में ये इंसर्ट होती है। यह पेशी टखने के जोड़ पर प्लांटर फ्लेक्शन में हेल्प करती है। इन मांसपेशियों को टीबियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सोलियस, यह पेशी हेड ऑफ फिबुला एंड मीडियल बोर्डर ऑफ टीबिया, यहां से उत्पन्न होती है और कैल्केनियस में इंसर्ट होती है एकिलिस टेंडन जो एक कॉमन टेंडन है उसके माध्यम से। यह पेशी टखने के जोड़ पर पैर के प्लांटर फ्लेक्शन में हेल्प करती है। इन मांसपेशियों को टीबियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्लांटेरिस, यह पेशी लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर से उत्पन्न होती है और कैल्केनियस में एकिलिस टेंडन के रूप में इंसर्ट होती है। यह पेशी भी टखने के जोड़ पर प्लांटर फ्लेक्शन में मदद करती है और टीबियल नर्व के द्वारा कंट्रोल की जाती है। पोपलीटियस, यह पेशी फीमर के लेटरल कोंडाइल से उत्पन्न होती है और टीबिया के शाफ्ट में इंसर्ट हो जाती है। यह पेशी घुटने के जोड़ पर फ्लेक्शन में हेल्प करती है और इन्हें कंट्रोल किया जाता है टीबियल नर्व के द्वारा। टीबियल इज पोस्टीरियर, यह पेशी टीबिया फिबुला और इंटरोशियस मेम्ब्रेन से उत्पन्न होती है तथा दूसरे तीसरे और चौथे मेटाटार्सल नेविक्यूलर क्यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड में इंसर्ट होती है। यह पेशी प्लांटर फ्लेक्शन और इनवर्जन में हेल्प करती है। इन मांसपेशियों को भी टीबियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, यह पेशी टीबिया की पोस्टीरियर सरफेस से उत्पन्न होती है और पैर की दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी अंगुली के डिस्टल फेलेंक्स में इंसर्ट होती है। यह पेशी पैर की अंगुलियों को मोड़ने में यानी उनके फ्लेक्शन में मदद करती है। इन मांसपेशियों को भी टीबियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, यह पेशी फिबुला के शाफ्ट से उत्पन्न होती है और अंगूठे के जो पैर का अंगूठा है उसके डिस्टल फेलेंक्स में इंसर्ट होती है। यह पेशी
पैर के अंगूठे के फ्लेक्शन में मदद करती है और इन मांसपेशियों को भी टिबियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलने वाले हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ।